हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेड चैनल पे। फरवरी 2020 के करंट अफेयर्स वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी आपके लिए यूजफुल होगा। हमने राष्ट्रीय घटनाचक्र एवं आर्थिक को पढ़ लिया था, आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार एवं अन्य बिंदुओं को देखेंगे। पिछली बार मैंने लास्ट में आपको अभिनंदन योजना के बारे में बताना भूल गया। उस देखिए, अभिनंदन योजना हाल ही में असम राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अभिनंदन जी के नाम पर इस योजना का नाम रखा गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि छात्रों को उनकी शिक्षा के लिए 50,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान करना। उच्च शिक्षा के लिए असम राज्य सरकार के द्वारा 50,000 रुपये जो है छात्रों को प्रदान की जाएगी, यह अभिनंदन योजना के तहत है। याद रखिएगा, अभिनंदन योजना असम राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है, जिसके तहत छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए 50,000 रुपये की नगद राशि प्रदान की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय घटनाचक्र की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाचक्र में सबसे पहले देखेंगे सूचकांक। पहला सूचकांक है मानव विकास सूचकांक, HDI 2019। UNDP के द्वारा यह सूचकांक जारी किया गया। UNDP क्या है दोस्तों? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। मानव विकास सूचकांक के बारे में बता दूं कि मानव विकास सूचकांक सन 1990 से जारी किया जा रहा है। इसके तहत तीन बिंदुओं को देखकर यह सूचकांक जारी किया जाता है। पहला बिंदु है जीवन प्रत्याशा, दूसरा बिंदु है प्रति व्यक्ति आय, और तीसरा है शिक्षा का स्तर। याद रखिएगा दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है किन बिंदुओं को ध्यान में रखकर HDI जारी किया जाता है, तो वो तीन बिंदुए हैं जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर और प्रति व्यक्ति आय। कब से जारी किया जा रहा है? तो 1990 से। इस सूचकांक की बात करें तो इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर नॉर्वे रहा। वहीं भारत का स्थान देखें तो 2018 में उसका स्थान 130 था। एक अंक के सुधार के साथ भारत का स्थान इस वर्ष वो 129 रहा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगला है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, अर्थात लिंग भेद सूचकांक। किसी देश में महिला एवं पुरुषों के बीच में कितना गैप है, अर्थात कितना अंतर है, उनके बीच कितना भेदभाव किया जाता है, इसको ध्यान में रखकर यह सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया। विश्व आर्थिक मंच ने ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया। इस इंडेक्स में सबसे पहला स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ। याद रखिए, आइसलैंड इस सूचकांक में पहला है, अर्थात आइसलैंड में महिलाओं एवं पुरुषों के बीच का अनुपात यानी अंतर बहुत कम है। वहीं भारत का स्थान देखें तो भारत ने 4 अंकों की उतार देखी गई। वर्ष 2018 में भारत 108वें नंबर पे था, तो वहीं 2019 में भारत का स्थान 112 रहा। तो भारत में यहाँ पे सुधार नहीं बल्कि ह्रास देखी गई है। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, जर्मन वाच के द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। वहीं दूसरा सूचकांक भी है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, यह भी जर्मन वाच के द्वारा जारी किया जाता है। आपको मालूम होगा हाल ही में COP25 बैठक आयोजित किया गया। COP25 का बैठक मेड्रिड स्पेन में आयोजित किया गया। उस दौरान ही कॉप की बैठक के दौरान ही जर्मन वाच के द्वारा दो सूचकांक जारी किए गए। पहला सूचकांक था वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक एवं दूसरा था जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। इन दोनों सूचकांक में भारत का स्थान 5 एवं 9 रहा। याद रखिए, पहले जोखिम आएगा तभी परिवर्तन होगा, अर्थात पहले 5 नंबर पर भारत होगा, दूसरे वाले में 9 नंबर पर होगा। यदि शीर्ष स्थान की बात करें तो यहाँ पे प्रथम स्थान जापान को मिला, भारत को 5वां स्थान मिला। दूसरे बारे में शुरू के यानी प्रारंभ के 3 स्थान को रिक्त रखा गया, चौथे स्थान पर स्वीडन रहा। अर्थात अगर सभी देशों की बात करें उसमें सिर्फ स्वीडन को मिला, लेकिन क्रम में उसका स्थान 4था रहा और भारत का स्थान 9वां रहा। मेरे ख्याल से दोस्तों आपको याद हो गया होगा कि पहले जोखिम आएगा, तो जोखिम में भारत का स्थान 5वां रहा और परिवर्तन सूचकांक में भारत का स्थान 9वां रहा। वहीं प्रथम स्थान की बात करें तो जापान पहले रहा, यहाँ पे स्वीडन 4थे स्थान पे रहा। सेकेंड वाले सूचकांक में अमेरिका का स्थान सबसे अंतिम रहा। अमेरिका ने जलवायु की दिशा में कोई कार्य नहीं किया, इसके लिए इस सूचकांक में वो सबसे अंतिम पायदान पे रहा। आगे बढ़ते हैं।
वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2019, किसी देश में आतंकवादी गतिविधियां कितनी हैं, इस आधार पर इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस IEP के द्वारा सूचकांक जारी किया जाता है। IEP के द्वारा यह सूचकांक प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। पिछले वर्ष भारत का स्थान इसमें 8वां था, इस वर्ष भारत का स्थान 9वां है। वहीं पिछले वर्ष की भांति भी इस बार अफगानिस्तान पहला है। याद रखिएगा दोस्तों, कुछ साल पहले तक सीरिया इसमें पहले रहता था, लेकिन पिछले 2 वर्ष से अफगानिस्तान इसमें प्रथम स्थान पर है। तो अफगानिस्तान में सर्वाधिक आतंकवादी गतिविधियां इधर बढ़ गई हैं, जिसके कारण अफगानिस्तान पहले स्थान पर है, वहीं भारत 9वें स्थान पर है। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान इस सूची में 5वें स्थान पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची हाल ही में फोर्ब्स पत्रिका द्वारा, आपको मालूम होगा एक पत्रिका है फोर्ब्स, जिसके द्वारा यह जारी किया गया सूचकांक है, जिसमें महिलाओं की कौन सी महिला कितनी शक्तिशाली है उसके लिए यह सूचकांक जारी किया गया। तो इस सूचकांक में भारत की 3 महिलाओं को स्थान दिया गया। टोटल 100 महिलाओं की सूची बनाई गई, जिसमें 3 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया। तो जिसमें कि भारतीय महिला जो सबसे शीर्ष स्थान पर रही वो थी भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उनका स्थान इस सूचकांक में 34 रहा। भारत की तरफ से सबसे शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया, तो निर्मला सीतारमण ने। वहीं पूरे सूची में प्रथम स्थान की बात करें तो पिछले 9 वर्ष से लगातार एंजेला मर्कल इस सूची में प्रथम स्थान पर बनी हुई है। याद रखिए दोस्तों, पिछले 9 बार से एंजेला मर्केल इस सूची में प्रथम स्थान पर बनी हुई है, जो कि जर्मनी की चांसलर है। एंजेला मर्केल जर्मनी की चांसलर प्रथम स्थान, निर्मला सीतारमण भारत की 34वां स्थान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैठक हाल ही में दिसंबर माह में कई बैठकों का आयोजन किया गया, उन बैठकों में हम मैंने इसे क्रमवाइज अरेंज किया है। चलिए पहले बैठक की तरफ देखते हैं। G20 देशों का बैठक, G20 देशों का शिखर सम्मेलन 2020 में आयोजित किया जाएगा सऊदी अरब में। ये पहला बात, मैंने पिछले वीडियोज़ में भी आपको बताया है कि G20 का बैठक वर्ष 2020 में सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा, 2021 में इटली में आयोजित किया जाएगा, वहीं 2022 की बात करें तो भारत में आयोजित किया जाएगा। तीनों आपको याद रखना है दोस्तों, कोई भी पूछा जा सकता है। पहले सऊदी अरब आएगा, फिर इटली आएगा और फिर भारत आएगा। भारत ने इटली से अनुरोध किया कि उसे 2022 का बैठक आयोजित करने का मौका दिया जाए, जिसके पश्चात 2022 का आयोजन भारत को प्रदान किया गया। भारत की 2022 में 75वीं वर्षगांठ होगी आज़ादी की, जिस कारण भारत ने यह मांग रखी थी। G20 क्या है? तो G20 विश्व के 19 देश एवं एक यूरोपीय यूनियन के वित्त मंत्रियों एवं उसके केंद्रीय बैंक के गवर्नरों का एक समूह है। 19 देश एवं EU के वित्त मंत्रियों एवं उनके केंद्रीय बैंक के गवर्नरों का समूह है, जिसकी बैठक 2020 में कहाँ आयोजित की जाएगी दोस्तों? तो सऊदी अरब में आयोजित करने की जाएगी। G20 की अध्यक्षता करने वाला विश्व का पहला अरब देश कौन बनेगा? तो वो है सऊदी अरब। याद रखिएगा दोस्तों, 2020 में G20 की बैठक सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है नाटो शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन वाटफोर्ड लंदन में किया जाएगा। नाटो क्या है? तो नाटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उत्तरी अटलांटिक का एक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1949 में की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इसके स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय बेल्जियम ब्रुसेल्स में है। नाटो में देशों की संख्या की अगर बात करें तो नाटो में 29 देश वर्तमान में सम्मिलित है। ये नाटो का 17वां बैठक है जो कि आयोजित किया गया है, 17th जो आयोजित किया गया है लंदन के वाटफोर्ड में। यहाँ पे देखिए स्थापना लिखा हुआ है और नाटो के महासचिव का नाम दिया हुआ है जेंस स्टोल्टनबर्ग। याद रखिएगा दोस्तों, नाटो के महासचिव वर्तमान में कौन है? जेंस स्टोल्टनबर्ग, और उसकी स्थापना हुई थी 1949 में, और हाल ही में उसके बैठक का आयोजन वाटफोर्ड इंग्लैंड में किया गया।
आगे चलते हैं। भारत तथा अमेरिका के बीच दूसरी 2+2 वार्ता का आयोजन वाशिंगटन में किया गया और भारत और जापान के बीच 2+2 वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि सितंबर 2018 में भारत एवं अमेरिका के बीच पहली 2+2 वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था और पहली बार भारत में हो गया, तो अब दूसरी बार कहाँ हो रहा है? वाशिंगटन में, जो कि अमेरिका में स्थित है। पहली बार भारत में हुआ, वही दूसरी बार वाशिंगटन में हो रहा है, और भारत और जापान के बीच में कहाँ हो रहा है? तो नई दिल्ली में हो रहा है। ये 2+2 क्या है वो मैं आपको समझा दूँ। 2+2 से तात्पर्य है दो देश एवं दो मंत्रालयों के बीच में होने वाली वार्ता, दो देश एवं उनके दो मंत्रालय। तो यहाँ भारत और अमेरिका दो देश हैं और उनके दो मंत्रालय कौन कौन हैं? विदेश मंत्रालय एवं रक्षा मंत्रालय के बीच की बैठक। यहाँ भी देख लीजिए, भारत एवं जापान के बीच विदेश एवं रक्षा मंत्रालयों की बैठक का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पे? नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। स्वीडन के राजा कार्ल 16 गुस्ताफ एवं रानी सिलिया 6 दिवसीय 1 से 6 दिसंबर तक के बीच भारत की यात्रा पर आए। कहाँ के राजा हैं? स्वीडन के राजा। नाम क्या है? कार्ल 16 गुस्ताफ और रानी है सिलिया। 6 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए। आपसे पूछा जाएगा दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में किस देश के राजा एवं रानी ने भारत की यात्रा की, तो वो कौन सा देश होगा? स्वीडन। इस दौरान उन्हें राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा दोस्तों, गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी के आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए, गांधी जी के जो आदर्श हैं उनके अहिंसा और सत्य, उनको बढ़ावा देने के लिए पुर्तगाल के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री, पुनः जो निर्वाचित हुए हैं, एंटोनियो कोस्टा, उन्होंने एक पुरस्कार की घोषणा की है जिसका नाम है गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज की घोषणा की है जिसका मूल उद्देश्य होगा गांधी जी के आदर्शों को बढ़ावा देना। आगे बढ़ते हैं। 8 पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने साझा मुद्रा CFA फ्रैंक का नाम बदलकर ईको रखने का निर्णय लिया है। ये 8 पश्चिमी अफ्रीकी देश हैं जो कि फ्रांस के औपनिवेशिक में थे और उन्हें फ्रांस की मुद्रा फ्रैंक पर निर्भर करना पड़ता था, लेकिन इन्होंने साझा रूप से यह निर्णय लिया कि ये वो फ्रैंक पर निर्भर न रहकर अपनी एक अलग मुद्रा बनाएंगे जिसका नाम होगा ईको, जिसका चलन 2020 से किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सऊदी अरब को यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के लिए चुना गया है। सऊदी अरब को पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के लिए शामिल किया गया। यूनेस्को वैसी संस्था है जिसकी स्थापना 1946 में की गई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। और यूनेस्को जहाँ पे विश्व के धरोहरों का सूची बनाया जाता है, और सऊदी अरब को पहली बार इस समिति के लिए चुना गया है। आगे बढ़ते हैं। मैक्सिको में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले, हमेशा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला भारत में आयोजित किया जाता था, लेकिन इस बार मैक्सिको में आयोजित किया जा रहा है जिस कारण मैक्सिको ने भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में सम्मानित किया। भारत पुस्तक के मामले में अग्रणी होता है जिस कारण भारत को यह सम्मान मैक्सिको ने दिया है। भारत एशिया का प्रथम देश बन गया है जिसे यह आमंत्रण प्राप्त हुआ और गेस्ट ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। कौन से देश में दोस्तों? मैक्सिको में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भारत को आमंत्रित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइबेरिया के क्षेत्र में पावर ऑफ साइबेरिया नामक एक क्रॉस बॉर्डर गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया। किन दो देशों ने मिलकर किया? तो रूस एवं चीन। साइबेरिया क्या है? तो रूस का वह क्षेत्र जो एशिया में पड़ता है उसे साइबेरिया कहा जाता है। तो रूस के जो दो साइबेरिया के जो दो प्रमुख है, एक क्षेत्रफल के आधार पर और एक जनसंख्या के आधार पर, इन दोनों ने मिलकर एक क्रॉस बॉर्डर एक दूसरे देश में पाइपलाइन की शुरुआत की है जिसका नाम रखा है पावर ऑफ साइबेरिया। साइबेरिया के दो देश जो कि रूस और चीन है। आगे बढ़ते हैं।
थाईलैंड की 2000 साल पुरानी मसाज की विधि को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। आपको ज्ञात होगा कि थाईलैंड अपने मसाज के लिए फेमस है, तो वहाँ की एक मसाज की विधि है जिसका नाम है नुआड थाई। थाई से याद रखिए, थाईलैंड। नुआड थाई थाईलैंड की एक मसाज की विधि का नाम है जिसे हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की एक 17 वर्षीय महिला जिसे वर्ष 2014 में कैलाश सत्यार्थी जी के साथ शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। मलाला यूसुफ जई जो कि पाकिस्तान की एक महिला है, इस दशक में विश्व की सबसे प्रसिद्ध किशोरी के रूप में संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया है। इस दशक की सबसे प्रसिद्ध किशोरी किसे बताया गया है? तो मलाला यूसुफजई को। उनका संबंध किस देश से है? पाकिस्तान से। मलाला यूसुफजई को 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। आगे बढ़ते हैं। COP25 का आयोजन। हाल ही में COP25 का आयोजन 2 से 15 दिसंबर के मध्य मैड्रिड स्पेन में किया गया। पहले ये आयोजन चिली में होने वाला था दोस्तों, लेकिन चिली में आपातकाल फैलने के कारण चिली में न करके इसका आयोजन स्पेन के मैड्रिड में किया गया, लेकिन अध्यक्षता चिली के द्वारा ही की गई है। याद रखिएगा दोस्तों, अध्यक्षता चिली के द्वारा, और स्थल कौन सा है जहाँ पे ये किया गया? मैड्रिड, स्पेन की राजधानी। अगला कहाँ होगा COP26? तो मैं आपको बता दूँ, COP26 का आयोजन ग्लासगो में होगा, स्कॉटलैंड, जो कि यूके का पार्ट है। तीनों ऑप्शन आ सकता है, स्कॉटलैंड भी आ सकता है, ग्लासगो भी आ सकता है, और यूके भी आ सकता है। तो ऑप्शन के अनुसार आप उत्तर देने का प्रयास करें। COP25 का आयोजन मैड्रिड में हुआ जो चिली की अध्यक्षता में था। इस बार मुद्दा जो था वो कार्बन क्रेडिट को से लेकर जुड़ा हुआ था। कार्बन क्रेडिट यानी कार्बन का विनिमय। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूएनओ ने वर्ष 2020 को पौधों के स्वास्थ्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। यूएनओ के द्वारा प्रतिवर्ष वर्ष 2018, 19, 20 प्रतिवर्ष को कोई एक पार्टिकुलर वर्ष के रूप में घोषित किया जाता है। 2019 को देसी भाषाओं के वर्ष के रूप में घोषित किया गया था, वहीं 2020 को पौधों के स्वास्थ्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। किसके द्वारा? तो यूएनओ के द्वारा। आज जलवायु परिवर्तन एक गंभीर समस्या हो गई है, और इस जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए पौधों का संरक्षण बहुत आवश्यक है। इसके लिए यूएनओ ने पौधों के स्वास्थ्य हेतु इसे अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। आगे बढ़ते हैं। भारत के निवेदन पर यूएनओ के द्वारा 21 मई को चाय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। आपको ज्ञात होगा कि कुछ वर्षों पहले 21 जून को भारत के निवेदन पर अंतर्राष्ट्रीय योगा डे मनाने की घोषणा की गई। इससे एक महीने पहले 21 मई को भारत के निवेदन पर चाय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई यूएनओ के द्वारा। क्यों की गई? चाय के उत्पादन एवं खपत दोनों को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया गया है। उसके उत्पादन एवं खपत को बढ़ावा देने के लिए, यदि खपत बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, यदि उत्पादन को बढ़ाएंगे तो कृषि के क्षेत्र में जो मजदूरी है वो और बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। WTA के द्वारा विश्व यात्रा पुरस्कार के 26वें संस्करण का आयोजन हाल ही में मस्कट में किया गया। मस्कट में आबू धाबी को वर्ल्ड लीडिंग स्पोर्ट्स टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में चुना गया। वर्ष 2019 में आबू धाबी में कई गेम्स आयोजित किए गए। कई गेम्स को आयोजित करने के लिए आबू धाबी इस साल चर्चा में रहा। उसमें से सबसे प्रमुख रहा विशेष ओलंपिक। कई बार आपने एग्जाम में देखा होगा कि विशेष ओलंपिक का आयोजन वर्ष 2019 में कहाँ किया गया? तो यूएई के आबू धाबी में किया गया। तो आबू धाबी में कई गेम्स का आयोजन किया गया जिसके लिए WTA के द्वारा इसे वर्ल्ड लीडिंग स्पोर्ट्स टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में चुना गया है। दिसंबर माह में दो तूफान आए, एक है टाइफून, दूसरा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। पहले वाले टाइफून का नाम है फैनफोन, दूसरे का नाम है सराय।
पहला वाला आया था फिलीपींस में और दूसरा वाला आया फिजी में। ये देखिए, बड़ा नाम बड़ा देश है, छोटा नाम छोटा देश है। सराय फिजी, फैन फोन फिलीपींस। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, यहाँ भी फौ से शुरू हो रहा है, यहाँ भी फौ से है। बड़ा नाम है तो बड़ा देश का रखेंगे। फैन फोन फिलीपींस में और सराय फिजी में। आगे आते हैं, बेगन बिल, सॉरी माफ कीजिएगा, बोगन बिल। बोगन बिल पपुआ न्यू गिनी का पूर्वी द्वीप है, जहाँ पे हाल ही में लोकतंत्र को लेकर जनमत संग्रह कराया गया। तो वहाँ की जनता ने जनमत को स्वीकार करते हुए बोगन बिल को पपुआ न्यू गिनी से अलग करने का निर्णय लिया है, जिसके पश्चात वह अब एक नया देश बनकर उभरेगा। पपुआ न्यू गिनी से अलग होने के बाद बोगन बिल अब एक नया देश बनने जा रहा है। अगर बोगन बिल देश बन जाता है तो विश्व में देशों की संख्या 196 हो जाएगी। दोस्तों, पपुआ न्यू गिनी कहाँ है? तो पपुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया महादेश में पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया महादेश में पपुआ न्यू गिनी एक देश है, जिसमें बोगन बिल एक द्वीप के रूप में है। आगे बढ़ते हैं, मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दोषी ठहराते हुए 5 वर्ष की सजा उन्हें सुनाई गई। मनी लॉन्ड्रिंग से तात्पर्य है कि काले धन को वैध मुद्रा में तब्दील करना। काले धन को वैध मुद्रा के में तब्दील करने के लिए अब्दुल्ला यामीन को दोषी ठहराया गया और उन्हें 5 वर्ष की सजा सुनाई गई। अब्दुल्ला यामीन मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाल ही में यूरोपीय यूनियन ने यह घोषणा की कि पोलैंड को 2050 जलवायु तटस्थता समझौते से बाहर कर दिया जाए। यह घोषणा यूरोपीय यूनियन द्वारा हाल ही में की गई। किस देश को दोस्तों? पोलैंड को। इसके पीछे कारण यह है कि ईयू ने यह निर्णय लिया था कि जो पेरिस समझौता 2015 में हुआ, उसके तहत 2050 तक पूरा का पूरा यूरोपीय यूनियन जलवायु के लिए तटस्थ हो जाएगा, अर्थात जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को कम करेगा। लेकिन पोलैंड ने इसके विपरीत कार्य किया। पोलैंड के जो ऊर्जा का जो स्रोत है, वहाँ पे 80% ऊर्जा केवल कोयले से निकाली जा रही है, जिसके कारण वह जलवायु के लिए उपयुक्त नहीं है। इस कारण यूरोपीय यूनियन ने पोलैंड को इस तटस्थता समझौते से बाहर कर दिया है। यूरोपीय संघ का ही न्यूज है। यूरोपीय संघ की संसद ने 29 नवंबर 2019 को जलवायु आपातकाल की घोषणा की। जलवायु आपातकाल आपको पता होगा कि सबसे पहले किस देश में लगाया गया। दोस्तों, आपको बताना है कि जलवायु आपातकाल सबसे पहले कहाँ लगा। आगे आते हैं, कुछ नियुक्तियाँ जो या चर्चा में बने रहे, जो विश्व में रहे। पहले हैं व्यक्ति हैं पृथ्वीराज सिंह रूपन। हाल ही में इन्हें मॉरिशस के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। मॉरिशस पृथ्वीराज सिंह रूपन। अगला है अब्दुल मजदीद तिबाने। अब्दुल मजदीद तिबाने जो कि अल्जीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। अल्जीरिया अ से, अल्जीरिया अब से अब्दुल। आगे अल्बर्टो फर्नांडेज अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बने हैं। अल्बर्टो फर्नांडेज हाल ही में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बने हैं। अगला नाम है मैनुअल मारेरो क्रूज। क्रूज, और इधर देखिए क्यूबा। क्यूबा के क्रूज बने हैं प्रधानमंत्री। सना मारिन फिनलैंड की महिला प्रधानमंत्री बनी है। 34 वर्षीय सना मारिन वर्तमान में विश्व की सबसे कम उम्र की महिला प्रधानमंत्री है, जो कि फिनलैंड की बनी है। संगीता रेड्डी हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष बने हैं। संगीता रेड्डी हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष बने हैं। फिक्की है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ये है उसका फिक्की का फुल फॉर्म। ये क्या है? तो व्यापारिक संगठनों का एक संघ है, जिसके अध्यक्ष के रूप में संगीता रेड्डी को चुना गया है। आगे आते हैं एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय मनीला में है। स्थापना 1966 में की गई थी, जिसके अध्यक्ष के रूप में मास्तुसुगु आसाकावा को चुना गया है। मास्तुसुगु आसाकावा को एडीबी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आगे बढ़ते हैं, युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास दिसंबर माह में कई युद्ध अभ्यास हुए, जिसमें पहला प्रमुख है मित्र शक्ति। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में प्रतिवर्ष होने वाला एक थल सेना का अभ्यास है, जो कि पुणे में आयोजित किया गया। याद रखिए, हमारा पड़ोसी देश मित्र है, तो मित्र है,
तो मित्र में पड़ोसी देश कौन सा है जिसमें शक्ति है? तो शक्ति श्रीलंका से, याद रखिएगा, श्रीलंका में शक्ति है और वो हमारा मित्र है। तो इससे याद हो जाएगा कि भारत एवं श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति का आयोजन किया जाता है। कहाँ किया गया? इस वर्ष पुणे में किया गया। आगे आते हैं, सूर्य किरण 14 थल सेना अभ्यास है। सूर्य किरण 14 थल सेना का अभ्यास है जो कि भारत और नेपाल में किया जाता है। नेपाल भारत के पूर्व में पड़ता है दोस्तों। अब पूर्व से ही सूरज निकलता है, तो याद रखिए कि सूरज की किरण जहाँ से आएगी वो पूरब होगा, अब पूरब में नेपाल होगा, तो भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। तो ये थल सेना अभ्यास होगा और इसका आयोजन इस बार नेपाल में किया गया था। आगे चलते हैं, हैंड इन हैंड थल सेना अभ्यास। हैंड इन हैंड, भारत हिंदी चीनी भाई भाई, आपका नाम सुने होंगे आप लोग नारा, हिंदी चीनी भाई भाई, तो वही हैंड इन हैंड दोस्त की तरह हाथ में हाथ मिला रहे हैं। तो ये कौन से दो देश हैं? तो भारत एवं चीन। इस बार इस थल सेना अभ्यास का आयोजन शिलोंग में किया गया था। शिलोंग मेघालय की राजधानी है। इंद्र अभ्यास, त्रिसेवा अभ्यास से तात्पर्य है कि इंद्र अभ्यास तीनों सेनाओं का अभ्यास है, थल सेना, नौसेना एवं वायुसेना। ये भारत और रूस के बीच में आयोजित किया जाने वाला अभ्यास है जो कि प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इस बार गोवा एवं पुणे में इस अभ्यास का आयोजन किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, इंद्र रूस के साथ, दो अक्षर का इंद्र है और दो अक्षर का रूस है। आगे बढ़ते हैं, आयरन यूनियन 12 थल सेना अभ्यास है जो कि अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE के बीच में किया गया। तो आयरन यूनियन, आयरन से याद रखिए अमेरिका और यूनियन से याद रखिए UAE। तो आयरन और यूनियन थल सेना अभ्यास अमेरिका एवं UAE के बीच में किया गया। आगे बढ़ते हैं, भारतीय नौसेना एवं भारतीय तटरक्षक बल ने कोचीन बंदरगाह पर एंटी हाईजैकिंग अभ्यास अपहरण का आयोजन किया। आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय नौसेना एवं भारतीय तटरक्षक सेना ने किस बंदरगाह पर एक एंटी हाईजैकिंग अभ्यास का आयोजन किया? तो वो कौन सा बंदरगाह है? कोचीन, जो कहाँ पड़ता है दोस्तों? केरल में। केरल के कोचीन बंदरगाह पर एक हाईजैकिंग एंटी हाईजैकिंग अभ्यास का आयोजन किया गया जिसका नाम है अपहरण। समुद्र में जो समुद्री लुटेरे होते हैं उनसे बचाव कैसे किया जाए, इसको लेकर इस अभ्यास का आयोजन किया गया था, इसलिए इसका नाम भी वैसे ही है, अपहरण। आगे आए बढ़ते हैं, आपको मालूम होगा कि अग्नि एक मिसाइल है जो कि सतह से सतह पर वार करती है। हाल ही में इसका रात्रि कालीन परीक्षण किया गया। याद रखिए, यह पहला परमाणु रात्रि कालीन परीक्षण है। कहाँ किया गया इसका परीक्षण? उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप पर। अब्दुल कलाम द्वीप का नाम पहले व्हीलर द्वीप के रूप में जाना जाता था, अभी इसका नाम बदल के अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। कहाँ है? उड़ीसा में। अग्नि 3 का हाल ही में रात्रिकालीन परीक्षण किया गया। पृथ्वी 2 के, अग्नि के बारे में बता दें, इसकी मारक क्षमता 3,000 से लेकर के 5,000 तक के बीच है। पृथ्वी 2 मिसाइल की बात करें तो पृथ्वी 2 भी सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है जिसका हाल ही में परीक्षण उड़ीसा के बालासोर में किया गया है और इसकी मारक क्षमता 350 है। याद रखिएगा, पृथ्वी 2 मिसाइल का परीक्षण हाल ही में उड़ीसा के बालासोर में किया गया और अग्नि 3 का किया गया अब्दुल कलाम द्वीप से। अ से अग्नि, अ से अब्दुल कलाम, पृथ्वी 2 बालासोर से। आगे चलते हैं, इसरो द्वारा 11 दिसंबर को RESET-2B R1 उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। किस यान से? तो PSLV-C48। आपको बताना है दोस्तों कि PSLV-C47 से हमने किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया, ये कमेंट बॉक्स में आप दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि RESET-2B R1 क्या करता है। तो RESET-2B R1 को लॉन्च किया गया है कि यह बादलों के, और जो इस समय कोहरा या धुंध होगा, बादल आसमान में रहेंगे, उस दौरान भी इस उपग्रह के माध्यम से भारतीय सीमा की रक्षा की जा सकेगी। तो भारतीय सीमा की रक्षा के लिए यह एक निगरानी उपग्रह है जो कि भू अवलोकन उपग्रह है। आगे बढ़ते हैं, नासा ने विश्व के सबसे शक्तिशाली रॉकेट का अनावरण किया है। सबसे शक्तिशाली रॉकेट का अनावरण किया है जिसका नाम नासा ने रखा है SLS,
स्पेस लॉन्च सिस्टम। स्पेस लॉन्च सिस्टम का अनावरण हाल ही में नासा के द्वारा किया गया। इस सिस्टम के अनुसार उसने कहा है कि इससे वो आर्टेमिस मिशन को अंजाम देगा। आर्टेमिस मिशन क्या है? चंद्रमा पर पुनः मानव को भेजना। नासा ने घोषणा की है कि वह चंद्रमा पर पुनः मानव को भेजेगा। इस मिशन का नाम है आर्टेमिस मिशन, जिसके लिए वह इस स्पेस लॉन्च सिस्टम का प्रयोग करने की घोषणा कर चुका है। आगे चलते हैं। जापान द्वारा विश्व के पहले तरल हाइड्रोजन मालवाहक जहाज को लॉन्च किया गया, जिसका नाम है सुइसो फ्रंटियर। आज जो जहाज है, मालवाहक जहाज है, कोयले पे चलाए जा रहे थे, जिससे कि प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही थी। तो इसको कम करने के लिए जापान ने पहली बार हाइड्रोजन के पर चलने वाले जहाज का परिचालन किया, जिसका नाम है सुइसो फ्रंटियर। ऐसा करने वाला जापान विश्व का पहला देश बन गया है। हाइड्रोजन से जहाज चलाने वाला विश्व का पहला देश जापान बन गया है, जिस जहाज का नाम है सुइसो फ्रंटियर। आगे बढ़ते हैं। वही पहली बार बिजली से चलने वाला विमान भी उड़ाया गया। तो दुनिया का पहला बार बिजली से चलने वाला विमान, वाणिज्यिक विमान, कॉमर्शियल, कहाँ से उड़ाया गया? तो वैंकूवर, कनाडा से। दोस्तों याद रखिएगा, बिजली से चलने वाला विमान और हाइड्रोजन से चलने वाला जहाज। तो जहाज में जापान है, जौ से जहाज है और जौ से जापान है। वही वाणिज्यिक विमान को उड़ाने के लिए सबसे पहले विमान उड़ाएंगे वैंकूवर से। आगे बढ़ते हैं। कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के नीचे विश्व के सबसे गहरे घाटी की खोज की है। कहाँ के वैज्ञानिकों ने? तो कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में सबसे नीचे गहरे बर्फ में गहरी घाटी की खोज की है। आगे चलते हैं। इथोपिया ने अपना पहला उपग्रह ETRSS चीन के सहयोग से लॉन्च किया। आपको कुछ दिन पहले आपने न्यूज़ में सुना होगा, मैंने पिछले करंट अफेयर्स बताया था कि सूडान ने भी अपना पहला उपग्रह चीन के सहयोग से भेजा था। हाल ही में इथोपिया ने भी इस ETRSS को चीन के सहयोग से भेजा है। ETRSS का फुल फॉर्म है इथोपिया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। इथोपिया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जिसे चीन की सहायता से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। भारतीय वायुसेना ने MiG-27 को वायुसेना से सेवामुक्त कर दिया है। भारतीय वायुसेना ने MiG-27 को, आपको याद होगा कि कारगिल के युद्ध में MiG-27 ने एक बहुमूल्य भूमिका निभाई थी, अर्थात इसने बहुत अच्छी काम किया था, इसलिए इसका नाम रखा गया था बहादुर। बहादुर नाम से इसे जाना गया, MiG-27 को, जिसे हाल ही में सेना से बर्खास्त कर दिया गया है। आगे चलते हैं। पुणे में, महाराष्ट्र में, भारत के पहले मोबाइल टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की गई। जीविका के हेल्थ केयर संस्थापक जिग्नेश पटेल द्वारा इसे शुरू किया गया है। मोबाइल टीकाकरण क्लिनिक से सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह सस्ते दरों में लोगों को टीकाकरण के बारे में जानकारी भी देगा और कम पैसे में गरीबों के लिए टीकाकरण भी करेगा, जिसकी शुरुआत की है जीविका हेल्थ केयर के संस्थापक जिग्नेश पटेल ने। कहाँ पे? तो पुणे, महाराष्ट्र में। आगे चलते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने एक गंटूर जिले आंध्र प्रदेश में जो स्थित है, एक सांस्कृतिक स्थल की खोज की है, अभिलेख की खोज की है। यह दक्षिण भारत का सबसे प्राचीनतम अभिलेख माना जा रहा है, जिसे सातवाहन वंश के शासक राजा विजय द्वारा लिखवाया गया है। तो ये पूरा लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग ने कहाँ पे, तो गुंटूर जिले में, आंध्र प्रदेश में, एक खोज की है जो कि दक्षिण भारत में स्थित है। यह किस वंश से संबंधित है? तो सातवाहन। किस राजा से? तो राजा विजय। आगे चलते हैं। हरियाणा पुलिस ने फॉरेंसिक रिपोर्ट के नमूनों की सटीक जानकारी के लिए एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। उस सॉफ्टवेयर का नाम है ट्रेकिया। ट्रेकिया सॉफ्टवेयर यह नमूना जो फॉरेंसिक से जानकारी प्राप्त किया जाता है, उसको सटीक जान उसकी रिपोर्ट सही तरीके से पेश कर पाएगा। इसके लिए हरियाणा ने इसे लॉन्च किया है। हरियाणा पुलिस ने ट्रेकिया नामक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। ऐसा करने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य बन गया है। अब खेल घटना चक्र की तरफ बढ़ते हैं। खेल घटना में कुछ खेल आयोजित किए गए, उनको देखते हैं। दक्षिण एशियाई खेल हाल ही में आयोजित किया गया है। कहाँ पे? तो नेपाल में।
दक्षिण एशियाई खेल का आयोजन हाल ही में नेपाल में किया गया है। पदक तालिका में भारत प्रथम स्थान पर रहा। दोस्तों दक्षिण एशियाई खेल नेपाल, पदक तालिका में भारत का स्थान प्रथम। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित एक क्षेत्रीय ट्रॉफी है जो कि भारत के विभिन्न राज्यों के मध्य खेला जाता है। इस क्रिकेट ट्रॉफी में विजेता कर्नाटक रहा, वहीं उप विजेता कर्नाटक के बगल वाला राज्य तमिलनाडु रहा। आगे आते हैं वर्ल्ड कबड्डी कप 2019। वर्ल्ड कबड्डी कप का आयोजन 1 से 9 दिसंबर के मध्य पंजाब में किया गया। वर्ल्ड कबड्डी कप का आयोजन 1 से 9 दिसंबर के मध्य पंजाब में किया गया, जिसमें विजेता भारत रहा, वहीं उपविजेता कनाडा। भारत ने कनाडा को पराजित कर वर्ल्ड कबड्डी कप 2019 का खिताब जीता। आपको बताना है कमेंट में कि हाल ही में आयोजित प्रो कबड्डी लीग का खिताब किस टीम ने जीता। प्रो कबड्डी लीग का खिताब किस टीम ने जीता है। आगे बढ़ते हैं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप। एशियाई तीरंदाजी एशिया के तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई, जिसमें कि प्रथम स्थान दक्षिण कोरिया को मिला, वहीं भारत का स्थान सातवां सॉरी दूसरा रहा, जिसमें कि भारत ने 7 पदक जीते और दक्षिण कोरिया ने 13 पदक हासिल किए। आगे बढ़ते हैं सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। बैडमिंटन का यह चैंपियनशिप जो आयोजित किया गया था भारत के लखनऊ में, जिसमें पुरुष विजेता बने वांगतो जुवे जो कि चीनी ताइपे से है, और वहीं उपविजेता भारतीय सौरभ वर्मा रहे। विजेता चीनी ताइपे के हैं और उपविजेता सौरभ वर्मा भारतीय है। महिला की बात करें तो कैरोलिना मारिन इसमें विजेता रही, जो कि स्पेन की बैडमिंटन खिलाड़ी है। रोहित शर्मा हाल ही में स्पेन के फुटबॉल लीग ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। भारत में स्पेन फुटबॉल लीग ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर किस क्रिकेट खिलाड़ी को बनाया गया, तो रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा को ला लीगा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड। फिक्की के द्वारा इंडिया के स्पोर्ट्स का अवार्ड दिया गया। स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में रानी रामपाल को और सौरभ चौधरी को चुना गया। रानी रामपाल का संबंध हॉकी से है, महिला हॉकी टीम की रानी रामपाल कप्तान है। वहीं सौरभ चौधरी जो एक निशानेबाज है, जो कि 10 मीटर एयर पिस्टल में वो निशानेबाजी करते हैं। ब्रेक थ्रू स्पोर्ट्स पर्सन के रूप में ब्रेक थ्रू स्पोर्ट्स पर्सन के रूप में अमित पंघाल को चुना गया, जो कि बॉक्सिंग से संबंधित है। इस वर्ष आईसीसी ने वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में एलिस पैरी को चुना है। एलिस पैरी ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट खिलाड़ी है। आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में एलिस पैरी को चुना गया, और वो किस देश की खिलाड़ी है, तो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट खिलाड़ी है। क्रिकेट की बात करें तो अगला न्यूज है कुलदीप यादव ने अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 2 हैट्रिक ली है, और ऐसा करने वाले वे प्रथम भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। कुलदीप यादव स्पिनर बॉलिंग करते हैं, स्पिन बॉलिंग करते हैं, जो कि 2 हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। कतर इंटरनेशनल में हाल ही में कतर में इंटरनेशनल कप आयोजित किया गया, जो कि भारोत्तोलन से संबंधित था। मीराबाई चानू ने इसमें स्वर्ण पदक हासिल किया। मीराबाई चानू के बारे में आप बिल्कुल जानते होंगे कि मीराबाई चानू भारोत्तोलन से संबंधित हैं। 49 किलोग्राम में उन्होंने भारोत्तोलन किया और उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया। मीराबाई चानू का संबंध मणिपुर राज्य से है। दोस्तों कतर इंटरनेशनल में भारोत्तोलन में मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक हासिल किया। टेस्ट क्रिकेट में 7,000 सबसे तेज रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। टेस्ट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं 7,000 सबसे तेज स्टीव स्मिथ। वाडा विश्व डोपिंग विरोधी संस्था एंटी डोपिंग एजेंसी विश्व की है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसने की हाल ही में ये घोषणा की कि रूस को अगले 4 वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाए, जिसके तहत अब रूस ना टोक्यो ओलंपिक में भाग ले पाएगा और ना ही 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक में भाग ले पाएगा, क्योंकि उसे 4 वर्षों के लिए बैन कर दिया गया है। आगे आते हैं दीपक पुनिया भारतीय पहलवान है। दीपक पुनिया भारतीय पहलवान है जिसे यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने हाल ही में जूनियर फ्री स्टाइल रेसलर ऑफ द ईयर घोषित किया है। किस भारतीय पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने जूनियर फ्री स्टाइल रेसलर ऑफ द ईयर घोषित किया, तो दीपक पुनिया को। स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी रोजर फेडरर के
के संबंध में कहा गया, उस स्विट्जरलैंड की सरकार ने कहा कि उनके सम्मान में एक सिक्का जारी किया जाए जो कि 20 फ्रैंक का होगा। पहले ये स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी बन पहले व्यक्ति बन गए हैं जिनके जीवित होने के दौरान ही यह सम्मान उन्हें दिया गया। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई व्यक्ति जीवित है और उसके सम्मान में सिक्का जारी किया जाए, अन्यथा मृत्यु के पश्चात ही सिक्का जारी किया जाता था स्विट्जरलैंड में। तो रोजर फेडर पैसे ऐसे पहले खिलाड़ी बने हैं जिनके सम्मान में 20 फ्रैंक का सिक्का जारी किया गया और वो जीवित है। आगे बढ़ते हैं, पुरस्कार एवं सम्मान। साहित्य अकादमी पुरस्कार हाल ही में दिया गया। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये एक सम्मान है जो कि 1954 में इसकी स्थापना की गई और 1955 से इसे प्रदान किया जा रहा है, जिसके तहत 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है और यह कुल 23 भाषाओं में इस बार दिया गया है। कुल 23 भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी और इसे दिया जा रहा है 1955 से। इस पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। हिंदी भाषा के लिए नंद किशोर आचार्य जी को यह पुरस्कार दिया गया। उनकी कविता है छीलते हुए अपनों को, छीलते हुए अपनों को उनकी कविता का नाम है, नंद किशोर आचार्य जी। हिंदी में, अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में शशि थरूर को दिया गया, शशि थरूर को। उनकी पुस्तक का नाम है एन एरा ऑफ डार्कनेस। दोस्तों स्पेलिंग टिक कर लीजिएगा, डार्कनेस, ठीक है, एन एरा ऑफ डार्कनेस। तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह एक सम्मान है। मध्य प्रदेश सरकार संगीत को प्रोत्साहन देने के लिए सम्मान देती है। ग्वालियर घराने से बिलोंग करते हुए पंडित विद्याधर व्यास जी को इस वर्ष तानसेन सम्मान दिया गया है। तानसेन पुरस्कार के तहत 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। दोस्तों तानसेन सम्मान के तहत 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। ग्वालियर घराने के संगीत गायक पंडित विद्याधर व्यास को यह पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, 29वां बिहारी पुरस्कार हाल ही में जारी किया दिया गया। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है जो कि राजस्थान के किसी एक साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि राजस्थान के किसी एक व्यक्ति को दिया जाता है। इस बार दिया गया है डॉक्टर एदान सिंह भाटी को। उनकी कविता है आँख हियेरा हरियल सपना, यह उनकी कविता का नाम है। थोड़ा अटपटा है मगर याद रखिएगा कि यह एदान सिंह भाटी की कविता है जिन्हें हाल ही में बिहारी पुरस्कार दिया गया है। यदि 28वां बिहारी पुरस्कार की बात करें तो 28वां बिहारी पुरस्कार मनीषा कुलश्रेष्ठ को उनकी पुस्तक स्वप्न पाशा के लिए दिया गया है। बिहारी पुरस्कार की शुरुआत 1991 से की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है मूर्ति देवी पुरस्कार। इस बार 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया। किसके द्वारा? तो भारतीय ज्ञानपीठ एकेडमी के द्वारा। इसके तहत 4 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है और यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है। साहित्य के क्षेत्र में, तो साहित्य के क्षेत्र में इस बार मूर्ति देवी पुरस्कार किसे दिया गया? डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। मूर्ति अति, याद रखिए मूर्ति में भी ती है और तिवारी में भी ती है। तो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी को मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया है उनकी आत्मकथा अस्ति और भवति के लिए। अस्ति और भवति के लिए विश्वनाथ तिवारी जी को मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया। आगे बढ़ते हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार है जो 1969 से दिया जा रहा है। इस पुरस्कार के तहत 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2018 के लिए अमिताभ बच्चन को यह सम्मान दिया गया है। दोस्तों याद रखिएगा, वर्ष 2018 के लिए अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है और पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी रोड़ी को दिया गया था। आगे आते हैं, मिस टीन अंतर्राष्ट्रीय 2019 कौन बनी है? तो आयुषी ढोलकिया। आयुषी ढोलकिया मिस टीन अंतर्राष्ट्रीय 2019 बनी है। बैलन डी ओर पुरस्कार। बैलन डी ओर पुरस्कार की बात करें तो इस यह फुटबॉल के क्षेत्र के लिए दिया जाने वाला एक प्रमुख पुरस्कार है
जो इस बार अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी लियोन मेसी को दिया गया। अगला पॉइंट है, जलवायु परिवर्तन के प्रति कार्य करने के लिए स्वीडन की ग्रेटा थॉनबर्ग को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। टाइम मैगजीन के द्वारा प्रतिवर्ष एक व्यक्ति को पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना जाता है। इस बार ग्रेटा थॉनबर्ग को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। उनका संबंध स्वीडन से है, वह जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध कार्य करती है। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव में स्वर्ण मयूर पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? तो फिल्म का नाम है पार्टिकल्स। पार्टिकल्स को अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव में स्वर्ण मयूर पुरस्कार दिया गया है। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 से रंजना नारायण को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में किसे दिया गया? रंजना नारायण को। प्रियंका चोपड़ा को आप भलीभांति जानते होंगे। प्रियंका चोपड़ा को हाल ही में यूनिसेफ के डैनी काय मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रियंका चोपड़ा फिल्म एक्ट्रेस के साथ साथ एक समाजविद भी हैं, सामाजिक कार्य करती हैं, जिस कारण यूनिसेफ के द्वारा डैनी काय मानवतावादी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। WEF विश्व आर्थिक मंच द्वारा क्रिस्टल पुरस्कार 2020 दिया गया किसे? तो दीपिका पादुकोण को। दीपिका पादुकोण को क्रिस्टल पुरस्कार 2020 दिया गया विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, टाइम मैगजीन ने हाल ही में बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर चुना। अभी आप थोड़ी देर पहले पढ़े होंगे पर्सन ऑफ द ईयर 2019, जिसके बारे में आपको बताया मैंने कि ग्रेटा थॉनबर्ग को चुना है। वही अगर बात करें टाइम मैगजीन के द्वारा बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर, तो इस बार चुना गया है बॉब ईगर को पर्सन ऑफ द ईयर बिजनेस के क्षेत्र में। अब अन्य में आते हैं, कुछ पुस्तकें हैं और उनके लेखक हैं। इन प्रमुख पुस्तकों में पहला है टर्बुलेंस एंड ट्रम्फ द मोदी ईयर्स। मोदी ईयर्स के बारे में लिखा गया पुस्तक है टर्बुलेंस एंड ट्रम्फ, जो कि राहुल अग्रवाल एवं भारती एस प्रधान के द्वारा लिखा गया है। दो व्यक्तियों के द्वारा मिलकर यह पुस्तक लिखा गया है। अगला है ड्रीम्स ऑफ ए बिलियन, इंडिया एंड द ओलंपिक गेम्स। इंडिया एंड द ओलंपिक गेम्स ड्रीम्स ऑफ ए बिलियन पुस्तक के लेखक कौन है? तो बोरिया मजुमदार और नलिन मेहता। बोरिया मजुमदार और ललिन मेहता के द्वारा ड्रीम्स ऑफ ए बिलियन इंडिया एंड ओलंपिक गेम्स पुस्तक लिखी गई है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के बारे में आप जानते होंगे। तेलंगाना में गोदावरी नदी पर स्थित इस प्रोजेक्ट, जो दुनिया की सबसे ऊंची लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, जो जिसके बारे में पुस्तक लिखी गई है, यह पुस्तक श्रीधर राव देश पांडे के द्वारा लिखी गई है। अगला है पुस्तक द वॉल्ट ऑफ विष्णु। द वॉल्ट ऑफ विष्णु अश्विनी सांधी के द्वारा लिखी गई है। ये चार प्रमुख किताब है जो कि दिसंबर माह में चर्चा में रही। आप इनको एक बार घर पे वापस रिवाइज कर लें ताकि आप इसको हमेशा याद रख सकें। आगे बढ़ते हैं, दिवस एड्स दिवस प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बार इसका थीम था कम्युनिटी मेक द डिफरेंस। कम्युनिटी मेक द डिफरेंस के साथ इस वर्ष 1 दिवस को विश्व एड्स दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाते हैं। नौसेना दिवस प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वहीं मृदा दिवस की बात करें तो उससे 1 दिन बाद 5 दिसंबर को मनाया जाता है। 3 को दिव्यांगजन, 4 को नौसेना और 5 को मृदा। मृदा से संबंधित इस बार थीम रहा मृदा प्रदूषण रोको। आपको पता होगा कि 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, क्योंकि मानवाधिकार कानून 10 दिसंबर को लागू हुआ था। विषय क्या है? यूथ स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट। यूथ स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट विषय के साथ 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया गया। 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 24 दिसंबर को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था, इसीलिए 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में जाना जाता है। इसी के साथ करंट अफेयर्स का ये वीडियो समाप्त होता है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। इंटीरिया के साथ बने रहने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी दोस्तों का आभार। दिसंबर माह की घटनाओं पर आधारित फरवरी 2020 करंट अफेयर्स के इस वीडियो का PDF
आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम को ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से आप पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।